प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेताओं ने अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक बुलाई। इस बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से काफी प्रभावित हुआ है। आगामी चुनाव में हम विकास कार्यों के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं, और बस्तियाँ ऐसी जहाँ पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष बनता है, गरीब कल्याण गरीब विकास हमारी नंबर वन प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है, जहाँ एक तरफ सबका साथ यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, इसको और आगे कैसे बढ़ाना है इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सहभागिता के साथ साथ सबको अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए विकास कार्यों में। अभी आप देख रहे हैं सरकार ने स्कॉलरशिप में, अगर मैं अपनी बात की बात करूँ तो बच्चों के लिए पैसा बढ़ाया है, व्यवस्थाएँ अच्छी की है, स्कूलों की व्यवस्थाएँ अच्छी की है। तो हर तरीके से जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए परिवार हैं उनको आगे लेकर के आना है। पूरा उद्देश्य सरकार का संगठन का ही है। आज बैठक होगी, क्या माहौल है बस्तियों में लोगों के लिए, आम जनता के लिए? बस्तियों में बहुत ही सकारात्मक माहौल है, और पिछले 9 वर्ष की अगर बात करें हम लोग तो जितना व्यापक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था।